देखिए हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, राजघाट आप सब पहुंचे हैं, प्रार्थना यहाँ पर आप सब कर रहे हैं। लगातार आपके ऊपर सबके ऊपर आरोप लगा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, एक जांच एक पैसा की लेनदेन जो है वो नहीं हुआ है। ये देश कानून से चलता है। बापू की समाधि पर हम यही दुआ लेकर आए हैं, यही अरदास लेकर आए हैं कि बापू इनको सद्बुद्धि दो। जो भ्रष्टाचारी हैं इनको बेनकाब किया है देश ने, अब इनके झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहे हैं जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि देश कानून से चलता है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि 8 महीने से आपके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिली? अगर वो बेकसूर है, अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, एजेंसीज का दुरुपयोग है, आज अगर जिन लोगों ने पैसे दिए और जिन्होंने पैसे लिए सब लोग सामने आ गए, तो आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, आप शराब घोटाले के भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मनी ट्रेल नहीं मिल रही, आम आदमी पार्टी का कहना कहीं मनी ट्रेल नहीं मिली। ये ना तो आम आदमी पार्टी तय करेगी, ना बीजेपी तय करेगी, ना कोई और राजनीतिक दल पार्टी तय करेगा, इसको तो तय करेगा देश का कानून और देश की कानून व्यवस्था, अदालतें। आज मामला अदालत में है, अदालत पूरा मामले की देखरेख कर रही है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है। जिस तरह शराब की नीति को लागू करने के पीछे का एक ही देता कि ज्यादा से ज्यादा रिश्वत ली जा सके, क्यों बदली थी शराब नीति? उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रिश्वत के तौर पर मिलेगा, नई पॉलिसी आएगी तो नया तो पैसा लेने का मौका मिलेगा।